कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट? दो बुक अकाउंट्स की दो की और कौन सी दो? आप होमवर्क कर रहे हो उस बुक के? मैं दे तो रहा हूँ, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। और फिर मैं कॉपी चेक करूंगा, तब जूते भी खाते रहेंगे। अभी चेक करेंगे, आज ही पर्चा दे दे। इलेवेंथ क्वेश्चन लास्ट हमने कर लिया था, अब आते अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो 12th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले मैं ना क्वेश्चंस के सारे पॉइंट्स इधर लिख देता हूँ, ठीक है? इलेवंथ ही किया था, इलेवंथ तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो भी किया था, नहीं तो नहीं होता आपसे। तो देखो 12th क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट पॉइंट बोला है 1 जनवरी 2017 क्या बोला है? बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ रुपीज 1,75,000 एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 1,00,000। बताओ क्या एंट्री होगी? कैश और कैपिटल, बिल्डिंग कहाँ गई? बिजनेस स्टार्ट करते हम ने कैश लगाई और बिल्डिंग लगाई, दोनों चीजें बिजनेस में आ रही है, दोनों चीजें एसेट्स है। एसेट्स होती है तो क्या देखते हैं? जो चीज आए उसे डेबिट करो, जो चीज आए उसे क्रेडिट करो। तो बिजनेस में एक तो कैश आई 1 जनवरी 2017, कैश आई तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग भी तो आई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा टू कैपिटल, ठीक है? तो 1,75,000 के आ गए हमारे पास में कैश, 1,00,000 रुपीज के आ गए हमारे पास में बिल्डिंग। यस, कैपिटल में बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो भी कुछ लगाता है, जो भी कुछ, तो कैश बिल्डिंग कैपिटल में जाएगा बिल्डिंग आना। क्यों कैपिटल आया? क्या आया हमारे पास? कैपिटल आई कि बिल्डिंग आई? जो चीज आए उसे डेबिट करो, ये दो चीजें आई इसलिए इनको डेबिट किया, इन दोनों को मिला के हमारी कैपिटल बन गई 275। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इन फ्यूचर वापस रीपे करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है? ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एंट्री। सेकंड है गुड्स परचेज 75,000, गुड्स परचेज इन कैश 2 जनवरी को, गुड्स परचेज इन कैश, नगद में माल खरीदा 75,000 का। बताओ कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो गुड्स परचेज करने पर परचेज का अकाउंट ओपन हो जाता है और दूसरा कैश जाएगी हमारे यहाँ से, ठीक है? तो 2 जनवरी को एंट्री करेंगे, परचेज आने पर गुड्स आता है परचेज होने पर, तो परचेज अकाउंट डेबिट किसमें? डेट लिखी ना, ये क्या है? हाँ लिखनी पड़ेगी, अगर डेट दे रखी है तो आपको लिखनी है। अभी तक किसी में डेट नहीं दे रखी होती तो अपन 1, 2, 3, 4 चलाते थे, जब डेट दे दी तो अपने को डेट लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो कैश जा रही है हमारे यहाँ से, जा रही तो क्या करना है? टू कैश अकाउंट, कितने से? 75,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 3 जून को, रमेश को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू रमेश 3 तारीख को, गुड्स सोल्ड टू रमेश। जब पार्टी का नाम आ जाए तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है? और गुड्स सेल करने पर कौन सा अकाउंट ओपन होता है? सेल्स का अकाउंट ओपन होता है, ठीक है? सेल्स हमेशा ही क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि इसमें गुड्स जाता है। परचेज को डेबिट क्यों किया? गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट किया, सेल्स में गुड्स जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट करो। किसको दे रहे हैं गुड्स? रमेश को। तो उधार का ट्रांजेक्शन होगा तो पार्टी का नाम आएगा, रमेश कौन है? रिसीवर, रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड। तो एंट्री हो गई 3 जनवरी 2017 को, रमेश अकाउंट डेबिट, और तुम्हें क्या आ जाएगा? टू सेल्स अकाउंट, गुड सेल किया ना 30,000, 30,000, ठीक है? नेक्स्ट, मजदूरी का भुगतान किया, वेजेस पे करी हमने 4 जनवरी को, ट्रांजेक्शन हमारा वेजेस पेड। बताओ वेजेस पे करी तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं?
वेजेज एक्सपेंस क्या होती है, वेजेज किसको देते हैं, अनस्किल्ड पर्सन को, जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, लेबर जो होती है उसको अपन क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, और जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं लाइक एन मैनेजर, उन्हें क्या देते हैं, सैलरी। ठीक है, तो वेजेस जो है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। दो अकाउंट ओपन होंगे, एक तो वेजेस का, दूसरा हमारे यहाँ से कैश जाएगी। ठीक है, तो वेजेस है हमारे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज विल बी डेबिटेड, तो क्या एंट्री हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लें, फोकस हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4 जनवरी के बाद, 6 जनवरी नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश में हमने गुड्स सेल किया 10,000। बताओ, एक तो सेल्स और दूसरा कैश, कैश आएगी हमारे पास में गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगी, तो क्या एंट्री करेंगे, 6 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट और टू में क्या जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 10,000। नहीं सोल्ड नहीं लिखना, सेल्स ही आएगा, क्वेश्चन में सोल्ड दिया है, लेकिन क्वेश्चन वही लिखेगा तो फिर क्वेश्चन किस चीज का, सॉल्यूशन क्या होगा वो देखना आपने। सोल्ड मीन्स सेकेंड फॉर्म होती है सेल, सोल्ड, सोल्ड। नेक्स्ट 10 जनवरी को लिखा हुआ व्यापार व्ययों का भुगतान किया, ट्रेड एक्सपेंस पे किया हमने 10 जनवरी को, कौन सा एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, व्यापार करने के जो खर्चे होते हैं पेड, ये हमने पे किए हैं 700। बताओ क्या एंट्री होगी, ट्रेड एक्सपेंस का नाम आएगा। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। देखो कुछ वर्ड है जिनके साथ एक्सपेंस वर्ड लिखना पड़ता है, खाली ट्रेड लिखे तो आपको क्या पता चलेगा, ट्रेड कोई अपने आप में कुछ चीज थोड़ी बता रहा है, जैसे रेंट अपने आप में शो करता है, रेंट यानी कि एक्सपेंस है, सैलरी यानी कि एक्सपेंस है, सिर्फ ट्रेड वर्ड जो होता है ना वो कुछ शो नहीं करता, इसलिए अपने को इन ऐसे वर्ड के साथ में एक्सपेंस भी लिखना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेंस मीन्स हम जो पे करते हैं, क्यों पे करते हैं, ताकि हम कुछ सर्विस ले रहे हैं उसके बदले में कुछ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस है हमारे लिए, एक्सपेंस ऑलवेज विल बी डेबिटेड, डेबिट करो, 10 जनवरी को एंट्री हो जाएगी ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट रमेश से नगद प्राप्त हुए 29,500 और बट्टा दिया 12 जनवरी को, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, हमें रमेश से कैश मिली 29,500 एंड डिस्काउंट अलाउड, ये भी लिखा हुआ आगे, डिस्काउंट अलाउड यानी हमने उसे डिस्काउंट दिया 500 रुपीज का। अब देखो यहाँ कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तीन, एक तो रमेश को पेमेंट देना है, दूसरा मेरे यहाँ से कैश जाएगी और तीसरा डिस्काउंट दिया हमने। ठीक है, कैश आएगी सॉरी हमारे पास में और तीसरा डिस्काउंट दिया। अब बताओ क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आएगी तो कैश अकाउंट डेबिट 12 जनवरी को, लेकिन कैश आ कितनी रही है 29,500, कैश अकाउंट, हाँ बोलो, किसने बोला, जरूरी है क्या, डिस्काउंट हमें मिलता भी तो है और हम डिस्काउंट देते भी हैं, हाँ तो बिजनेस से तो डिस्काउंट नहीं मिल सकता, बिजनेस को हम गुड्स परचेज भी तो करते हैं कहीं, तो डिस्काउंट मिल भी सकता है और डिस्काउंट दे भी सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में क्या हो रहा है, रमेश हमें पैसे देने आया लेकिन उसको हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, लॉस है कि नहीं है, यस, लॉस ऑलवेज विल बी डेबिटेड, इसलिए मैं एंट्री करूंगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना 500 और टू में क्या आ जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किसने पैसे दिए, रमेश ने, ठीक है, टू रमेश, रमेश देने वाला हो गया, पैसे दिए उसने अपने को, टू रमेश अकाउंट 30,000, वो मत दिला देना भाई, टेंशन हो जाती है, एक ही मेरे पास,
हाँ नेक्स्ट, 14 जनवरी को सुधीर से माल खरीदा, 14 जनवरी गुड्स परचेज फ्रॉम, गुड्स परचेज्ड, यस क्योंकि लॉस है, हमने डिस्काउंट दिया है। आप जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने मुझसे कुछ गुड्स परचेज किया तो मैंने कहा कि ठीक है आपने मुझसे माल खरीदा अब आपको पैसे देने तो आप मुझे पेमेंट दोगे। आपने मुझसे गुड्स तो ले लिया 30,000 का, आपने बोला आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा 500 रुपये, ठीक है दे दूंगा। तो आप मुझे जब कैश दोगे तो 500 रुपये कम दोगे ना, ठीक है। अब मैं बिजनेस हूं, मैंने आपको गुड सेल किया, कैश तो जाते वो आपके यहां से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गुड सेल कौन कर रहा है? मैं गुड सेल कर रहा हूँ। डिस्काउंट कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ आपको डिस्काउंट, तो मेरे पास कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने आपको डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए लॉस है ना, इसलिए मैंने उसको डेबिट किया, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जब भी हम किसी से पैसे लेते हैं ना तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं, रिवर्स होता है। और जब मैं किसी को पेमेंट करता हूं तो मैं उसको बोलता हूँ ला भाई डिस्काउंट ला थोड़ा, अरे समझे, तब वो मुझे डिस्काउंट देता है, ठीक है, उस टाइम मेरे लिए इनकम होती है। अब यहां पर गुड्स परचेज किया हमने सुधीर से, कितने का? 27,000 का, 27,000 का। बताओ गुड्स परचेज करने पर कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं? एक तो परचेज और दूसरा सुधीर। यहाँ कैश में नहीं खरीदा है, पार्टी का नाम आया मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो 14 जनवरी क्या लिखेंगे? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू, में क्या जाएगा? टू सुधीर अकाउंट 27,000, ठीक है। नेक्स्ट, माल की ढुलाई भी, ढुलाई मतलब क्या होता है? कैरिज, याद रखना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरिज। 18 जनवरी को पेड कैरिज, माल को लोड अनलोड कराने का खर्चा, टैक्स क्या बढ़ते हैं उसके अंदर, गुड्स लोड करवाने का, अनलोडिंग करवाने का खर्चा, वो सारा आता है। कैरिज कितना है? 1,000। बताओ ये एक्सपेंस है कि नहीं है? कैरिज एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट, कैंट हो जाएगी, कैरिज अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट टू में क्या जाएगा? टू कैश अकाउंट। कितनी कैरिज पे करी? 1,000, 1,000, ठीक है। नेक्स्ट, तो एक बार यहां तक उतारो फिर मिटाऊंगा। पहले आप ना एक काम कर लो, 18 तक पहले ही उतार लो, ठीक है, एंट्रीज। हाँ, और इसके बाद में आपको 4 लाइन और छोड़नी, इसके बाद 4 लाइन, ठीक है, क्योंकि 4 एंट्रीज अभी और बाकी है हमारे पास। नहीं तो लिखा दो, आपको चारों एंट्रीज लिखा दो। नेक्स्ट देखो, 3 तो क्या है? यस, फॉर्मेट बनाना, बिना फॉर्मेट के तो कुछ करना ही नहीं है। मैं सिर्फ एंट्री लिखा, ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, एंट्रीज के बाद कराऊंगा, ठीक है। अब देखो, 20 तारीख को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने बिजनेस से पैसे निकाले, कितने? 5,000। क्या एंट्री हो जाएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग क्यों? पर्सनल यूज के लिए, चाहे गुड विड्रॉ करे या कैश विड्रॉ करे, ठीक है, करा दूंगे यही पे एंट्री, उसमें वीडियो आएगा नहीं देख ले। इसके नीचे एक या दो एंट्री और कर सकते हैं अपन, चलो ठीक है, एक बार यहाँ तक तो उतार लो आप। देखो मत स्टॉप राइटिंग, अब देखो 18 तक की तो एंट्रीज करवा दी, ये मिटा रहा हूं मैं जने एंट्रीज। कर लिया तक एंट्रीज? ये ऐसे करते हैं, सेट करेंगे या तो पीछे करेंगे ना, नहीं तो यहाँ करेंगे। देखो 18 को पेड कार्ड कैरिज, इसकी एंट्री अपन ने कर ली। नेक्स्ट है 20 तारीख को हमने कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, क्या एंट्री होगी बताओ? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। पर्सनल यूज के लिए जब भी विड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या एंट्री जाएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और टू में क्या विड्रॉ किया उसने? कैश। अगर यही अगर वो गुड्स विड्रॉ करता तो
टू परचेज, परचेज वर्ड यूज देते हैं, ठीक है, टू कैश अकाउंट, कितना 5000। नरेशन इनके घर पे लिखने आपको फॉर्मेट में करना है। नेक्स्ट हमारे पास घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज आ गया नेक्स्ट एंट्री में। देखो क्या बोला, गुड्स विड्रॉ, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कितने का गुड्स विड्रॉ किया है 2000 का, 2000 रुपए का इसने गुड्स विड्रॉ किया। अब बताओ अगेन पर्सनल यूज आ गया, इसका मतलब तो कौन सा अकाउंट ओपन करना है, ड्रॉइंग का अकाउंट, जहां पर्सनल यूज दिखे वहां ड्रॉइंग का अकाउंट ओपन हो जाएगा। 22 जनवरी को एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और टू में इस बार कैश विड्रॉ नहीं किया, परचेज। क्या कंडीशन थी जब परचेज को हम क्रेडिट करते हैं, गुड्स कम हो रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा, रीजन सेल नहीं होना चाहिए, अगर सेल होगा तब तो सेल्स वर्ड यूज लेंगे, अदरवाइज कहीं पर भी गुड्स कम हो रहा है, चाहे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ठीक है, डोनेशन, बहुत सारे रीजन थे ड्रॉइंग, तो हमें परचेज को क्रेडिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट 22 तारीख की हो गई, 25 को लास्ट एंट्री है, सुधीर को भुगतान किया और बटा दिया, पेमेंट टू सुधीर 25th, कैश पेड टू सुधीर, कितनी कैश पे करी हमने 26700, एंड डिस्काउंट रिसीव, इस बार हमें डिस्काउंट मिला है। अब ध्यान से देखना, हम जब किसी को पैसे देते हैं तो मैं उससे डिस्काउंट लेता हूं ना, मैंने सुधीर को पैसे दिए, मैंने कहा ये पकड़ 26700 कुछ डिस्काउंट दे दे, यहां डिस्काउंट मिल रही इनकम है या नहीं, कैश आ रही कि जा रही है, ध्यान से देखो, कैश पेड टू सुधीर है, हम सुधीर को कैश पे कर रहे हैं, सुधीर से हमने गुड्स परचेज कर रखा है, देखो 14 तारीख वाली एंट्री में, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो अपना प्रॉफिट है, अपने लिए इनकम है, एंट्री देखो, मैं सुधीर को पैसे दूंगा, आपने बोला रिसीव हो रही है, कैश रिसीव नहीं हो रही है, डिस्काउंट जरूर रिसीव हो रहा है, आप या तो डिस्काउंट रिसीव को कैश रिसीव मान रहे हो, तो बताओ सुधीर को पे करूंगा, सुधीर कौन है, रिसीवर, रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड, क्या एंट्री हो जाएगी, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक तो मेरे यहां से कैश जाएगी और दूसरा मुझे डिस्काउंट मिलेगा टू डिस्काउंट अकाउंट, या आप यहाँ रिसीव भी लिख सकते हो, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है, अलाउड नहीं, अलाउड तो हम देते हैं ना तो डिस्काउंट अलाउड आता है, और मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव, तो 26700 हमने दिए, 300 रुपए डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल उसका बैलेंस जो था 27000 से 27000 उसका बैलेंस नील हो गया, ठीक है, फटाफट उतार लो यहाँ पर, ये 7 मिनट होगी, क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में आओ फटाफट, 13वां प्रश्न, जितने पॉइंट हो जाए थे उतने तो करें अपन, पांच एक करा दो है, क्वेश्चन लिख दूं, होमवर्क करोगे तो यहां पर कैसे करोगे, क्यों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोला, अकाउंट ओपन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 13 पॉइंट नंबर फर्स्ट, हाँ तो क्या हो गया, डेट दे रखी है इसमें भी अपने को, है ना, 1 दिसंबर, अच्छा इससे पहले इसने क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है, 1 दिसंबर 2017 को हेमा ने रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, मीन्स हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000, कब, 1 जनवरी को, तो डेट दे रखी है 1 दिसंबर 2017, हाँ तो वो बिजनेस स्टार्टेड हो गया ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹1,00,000, बताओ क्या एंट्री हो जाएगी, पैसा आ रहा है हमारे पास में, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक वाला तो पॉइंट ही नहीं आ रहा भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल बनती है ना, हाँ नहीं वो मैंने सेकंड वाली एंट्री पहले बोल दी थी, 1 दिसंबर 2017 को क्या एंट्री हो जाएगी, कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बन गई, कैपिटल, वही देखो
टू कैपिटल अकाउंट, कितने से? 1 लाख रुपीज। क्या सेकंड बोल दिया ना? सेकंड बोल दिया। हाँ तो अब सेकंड बोल देता हूँ ना, ये लो सेकंड दिसंबर। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ओपन है बैंक अकाउंट विद एसबीआई ऑफ रुपीज 30,000। ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने क्या किया, खाता खोला है, 30,000 रुपए जमा कराए। तो देखो बैंक अकाउंट चाहे कोई भी हो, एसबीआई हो या पीएनबी हो या एचडीएफसी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ क्या करेंगे बैंक अकाउंट वर्ड यूज देंगे। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वापस सोचो। मैं जब बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। हाँ तो बढ़ेगा तो डेबिट करो ना बैंक को। अब सुनो इधर, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। अब सुनो, और जब मैं बैंक में जाऊंगा तो मैं कैश दे के आऊंगा उनको, पकड़ूंगा साहब ये लो कैश, बैंक में पैसे डाल दो, आ रहा था उनमें। तो मेरे बिजनेस से तो कैश जा रही है ना, समझ रहे हो, हम कौन है, हम बिजनेस है, मेरे यहाँ से पैसा जाएगा, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा लेकिन कैश तो मेरी कम हो जाएगी ना। वो आएगी जब वापस एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिलहाल क्या हो रहा, आप एक्चुअल में क्या पता है फ्यूचर में चले जाते हो, सर फ्यूचर में पैसा हमारा ही तो है। अरे भाई अभी तो जा रहा है ना, ट्रांजेक्शन तो अभी हो रहा है, फ्यूचर में जब पैसा हमारे पास आएगा तो वापस एंट्री करना, कैश आई कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो गया टू बैंक, समझ पे आ रहे हो? तो टू कैश अकाउंट, सही है, दिमाग लगाओ, जितना दिमाग लगाओगे ना उतना अच्छी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। टू कैश अकाउंट कितने रुपीज, 30,000, ठीक है। थर्ड एंट्री हमारे पास, राहुल को नगद माल बेचा, सॉरी आशु से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम आशु, एक मिनट सबका नंबर आएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम आशु, कितने का गुड्स था, 20,000 का। हाँ अब बताओ कौन एंट्री बताएगा, बोलो बोलो। आशु अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। परचेज जब हम गुड्स करते हैं तो गुड्स आता है कि नहीं आता, तो गुड्स आया है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा ना। और टू आशु, आशु कौन है, गिवर, गिवर को क्या करो क्रेडिट। आप आशु को डेबिट कैसे करते हो, हम उसे कोई चीज दे थोड़ी रहे, समझ रहे हो। तो आशु से हमने गुड्स परचेज किया, क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशुज अकाउंट, आशु कौन है, गिवर, कितने का गुड्स परचेज किया, 20,000 का, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, राहुल को नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राहुल, देखो इसमें और जितनी और ज्यादा इजी कैसे हो जाएगा, गुड्स सोल्ड टू राहुल, आप हमेशा पहले है ना पार्टी का नाम आते ये सोचा करो वो रिसीवर है कि गिवर है, आ रहा कौन में, रिसीवर होगा तो डेबिट कर दो, गिवर होगा तो क्रेडिट कर दो, बाकी दूसरी चीज अपने आप पता चल जाएगी। अब बताओ इस केस में हमने गुड सेल किया किसको, राहुल को 15,000 का, राहुल कौन है, रिसीवर, मैं उसे गुड सेल कर रहा हूं तो रिसीव करेगा, रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट, जो पहले तो बोल रहा था वही डेबिट हो रहा है ना, तो रुपया कहां लिखा, रुपया आ रहे हैं, जब पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो उधार का लेन देन होता है, तो राहुल तो फिर जब बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, रिसीवर को डेबिट करो गिवर को क्रेडिट करो, वो चीज छोड़ के कैश पे आ जाते हैं हम कूद के, हर बार पैसा थोड़ी आता है, समझ पा रहे हो। तो अब देखो राहुल कौन है, रिसीवर, मैंने उससे गुड सेल किया, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है, तो 6 दिसंबर 2017 को राहुल अकाउंट डेबिट, और गुड सेल करने पर कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सेल्स का अकाउंट, बस ऐसे भूलोगे तो अगला नंबर देना भूल जाएगा। हाँ नेक्स्ट, 10 दिसंबर को तारा से नगद माल खरीदा, 10 दिसंबर गुड्स परचेज फ्रॉम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तारा, तारा से हमने गुड्स परचेज किया, बताओ कितने का गुड्स परचेज किया है,
अच्छा एक मिनट, इसने आगे एक चीज और लिखी। ओ, हमने सिक्स वाली एंट्री में थोड़ी गड़बड़ कर दी। सिक्स वाली एंट्री में इसने लिखा राहुल को नकद में माल बेचा है, इन कैश। सही तो अब सही होगा ना, उस टाइम तो गलत ही था। अब देखो इस केस में पार्टी का नाम नहीं आएगा, बताओ क्यों? क्योंकि कैश आ रही है, कैश आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, ठीक है। और ये वाला भी जो पॉइंट है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम तारा, यहां पर भी लिखा हुआ है इन कैश, कैश में खरीदा 40,000 का। हाँ अब बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट, पार्टी का नाम नहीं आएगा। 10 दिसंबर 2017 क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहां तक करो, बाकी करेंगे कल। हाँ टाइम हो गया ना, बाकी 12th वाले आ जाएंगे, उतारोगे तब तक टाइम लग जाएगा। फोटो खींच लो तो ज्यादा बेटर है।